सो द फोर्थ क्वेश्चन वी हैव इज कॉट ए की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है एक्चुअली में A given, हमें यहाँ काट ए की वैल्यू नहीं गिवन हमें रियल में जो वैल्यू गिवन है वो फिफ्टीन कॉट ए की गिवन है इस क्वेश्चन में कि फिफ्टीन कॉट ए की वैल्यू एट है नेक्स्ट हमें गिवन है कि साइन ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है गिवन नहीं है ये कैलकुलेट करना है में कि साइन ए कितना होगा और सेक ए कितना होगा ये दो चीज़ हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है साइन ए और सेक ए हम तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें थर्ड साइड पता हो और थर्ड साइड तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है अगर हम रियल में देखें तो हमें दो साइड्स भी नहीं पता चलेंगी इस क्वेश्चन में अगर हम इस क्वेश्चन को देखें लेकिन हम वो दो साइड्स फाइंड कर सकते हैं कि वो दो साइड्स क्या होंगे और उन्हीं का यूज़ करके थर्ड साइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें गिवन है फिफ्टीन कॉट ए हमें फिफ्टीन कॉट ए की ज़रूरत नहीं है हमें सिर्फ कॉट ए की ज़रूरत है क्योंकि कॉट ए ही हम बता सकते हैं किसके इक्वल आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अकॉर्डिंग तो कॉट ए जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अकॉर्डिंग वो होता है एक्चुअली में एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड ये हमने पढ़ा है कि कॉट ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अकॉर्डिंग ऐसा होता है और ये एडजेसेंट साइड ऑपोजिट साइड किसकी? ये एक ट्राइंगल की होती हैं एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड तो इसके लिए हमें एक ट्राइंगल भी लेना होगा कि हमारे पास एक ट्राइंगल होना चाहिए जिसमें हम ये एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड देख सकें लाइक like हमारे पास यहाँ पर अब एक ट्राइंगल है ट्रैंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम कॉट ए देख रहे हैं यानी कि ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट साइड ये है और इसके ऑपोजिट साइड ये है तो अब स्टार्ट करते हैं कॉट ए की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर हमें गिवन है फिफ्टीन कॉट ए की तो अब हम इस फिफ्टीन को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉट ए इक्वल एट डिवाइडेड बाय फिफ्टीन तो यानी कि एडजेसेंट साइड एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारे पास हो जाएगी ए बी डिवाइडेड बाय बी सी तो ये इक्वल आएगा ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल एट डिवाइडेड बाय फिफ्टीन तो ये हमारे पास आ चुका है तो एक तरह से ए बी की वैल्यू एट और बी सी की वैल्यू फिफ्टीन हम पुट कर देंगे लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी ए बी की यानी कि जो हम यहाँ पर ए बी की वैल्यू एट लिख रहे हैं और बी सी की वैल्यू फ़िफ्टीन लिख रहे हैं ये ए बी और बी सी की एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है ये इनकी अज्यूम्ड वैल्यूज़ हैं क्योंकि ये रेशियो है रेशियो में अगर हम मान लें कि ये एट बाई फिफ्टीन नहीं है ए बी अपॉन बी सी की जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं यहाँ पर हम कट कर लेते हैं ए बी अपॉन बी सी की जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो थर्टी सिक्सटीन है तो सिक्सटीन अपॉन थर्टी ये भी कट होके एट अपॉन फिफ्टीन के इक्वल आएगा तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि जो हमने एट और फिफ्टीन लिए हैं वो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं हाँ लेकिन जो वैल्यूज़ होंगी वो एट और फिफ्टीन के मल्टीपल्स में ही होंगी तो हम इसे इस वाले क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन हमने के मान के नहीं सॉल्व करा था लेकिन इस वाले क्वेश्चन को हम के मान के सॉल्व करेंगे ताकि हम ये देख लें कि कैसे अगर हम के मान के भी सॉल्व करते हैं तो आंसर तब भी सेम ही आता है तो हम लिख लेंगे एट के और फिफ्टीन के तो ए बी की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगी एट के और बी सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फिफ्टीन के हमें यहाँ पर ये थर्ड वाली साइड नहीं पता है अगर ये थर्ड वाली साइड हमें पता चल जाए तो हम बहुत ईजिली साइन ए और सेक ए कैलकुलेट कर सकते हैं तो थर्ड वाली साइड अगर हमें पता करनी है यानी कि ये ए बी वाली सॉरी ए सी वाली साइड तो इस वाली साइड को हम तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें पहली दो साइड पता हूँ और हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये थर्ड साइड हम बहुत ईजीली कैलकुलेट कर लेंगे लाइक यहाँ पर ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के तो एक तरह से हमारे पास जो है वो आ जाएगा ए सी स्क्वायर यहाँ पर होगा इक्वल एट के स्क्वायर जो है गा? 64K square, square, कि आएगा सिक्सटी फोर के स्क्वायर प्लस फिफ्टीन के स्क्वायर यानी कि टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर तो ये हमने दो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिए हैं कि कैसे कैसे ये दो वैल्यूज़ क्या आ सकती हैं हमारे अकॉर्डिंग तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 64 के स्क्वायर और bc का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 225 k के स्क्वायर और जब हम इसे सॉल्व करेंगे एक तरह से तो हमारे पास आएगा 289 k के स्क्वायर यानी कि ac का स्क्वायर हमारे पास आ चुका है 289 k के स्क्वायर लेकिन हमें यहाँ पर ac बताना है ac का स्क्वायर नहीं कैलकुलेट करना है तो ए हमारे पास यहाँ से आ जाएगा सेवनटीन k यानी कि हमने ए भी कैलकुलेट कर लिया है ए हमारे पास आया सेवनटीन के बस हमारे पास यहाँ पर थर्ड साइड आ चुकी है अब इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जब हमने रूट करा तो हमने एक तरह से थर्ड साइड भी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली अब हमें क्या करना है अब हमें बस साइन ए कैलकुलेट करना है और साइन की वैल्यू हमें पता है क्या होती है साइन ए जो होता है साइन एक्चुअली में जो होता है वो होता है अब हम एंगल ए का साइन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए के अकॉर्डिंग ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिखेंगे तो वो होगा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस तो ऑपोजिट साइड यहाँ पर है फिफ्टीन और हाइप, हाइपोटेन्यूस यहाँ पर है सेवनटीन तो हम लिख देंगे इसे सबसे पहले बी सी अपॉन ए सी और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा एक तरह से फिफ्टीन के डिवाइडेड बाय 17 के तो के से के यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा हमारे पास फिफ्टीन अपॉन सेवनटीन इसके बाद अगर हम सेक ए देखें तो सेक ए हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेक ए क्या होता है सेक ए की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए क्योंकि सेक ए जो होता है यहाँ पर अगर हम एंगल ए को देखें तो वो उसके अकॉर्डिंग होता है हाइपोटेस डिवाइडेड बाय ए बी क्योंकि एडजेसेंट साइड है ये तो सेक ए होता है हाइपोटेस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड जो कि होगा ए सी डिवाइडेड बाय ए बी जो हमारे पास आएगा ही जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए सी की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे सेवनटीन के है और ए बी की वैल्यू हमें पता है एट के है तो सेक ए जो है हमारे पास वो आ जाएगा जब यहाँ पर के से के कैंसिल आउट हो जाएगा वो होगा सेवनटीन डिवाइडेड बाई एट तो हम बहुत ईजिली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बस हमें जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे उसी अकॉर्डिंग ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हमें गिवन होती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग गिवन होती है और राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करके हम बहुत इजीली इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं